वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं फैशन के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से और फूड के हवाले से, और इसके साथ साथ फूड दोनों से ही हम बात करेंगे। जनाब लाहौर में एक्टिविटी होने जा रही है जो हर कुछ अर्से बाद होती है, एग्जिबिट के नाम से 2019 द समर एग्जिबिट होने वाला है और इसकी डेट है वेंसडे यानी कि 20 मार्च, और ये मिजान माकी में होने वाला है। एग्जिबिट की पायनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इतना जबरदस्त इवेंट करवाती हैं जिसमें आपको लाइफस्टाइल, कपड़े सब कुछ देखने को मिलता है। सानिया और अलीजे दोनों ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग अस। जनाब इन दोनों से हम डिस्कशन करेंगे, उसके साथ फूड की बात करिए तो हेल्दी फूड होना बहुत जरूरी है और हेल्दी फूड के लिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अलीजे और सानिया, आप दोबारा से आप लोग करवाने वाले हैं एक कामयाब इवेंट, आप लोग हर थोड़े अर्से बाद करवाते हैं, इस बार का क्या है अलीजे? तो इस दफ़ा समर इज अप्रोचिंग, इतनी गर्मी हो गई है अभी से ही, तो ये इवेंट समर के हवाले से है और यहाँ हमारे पास होंगे समर के क्लोथ्स, लॉन, समर फॉर्मल्स, होम डेकोर की चीज़ें, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सब कुछ जो आपको इस सीजन के लिए चाहिए होगा। लवली सानिया, इस बार वेन्यू और सारी टाइमिंग भी हम चाहेंगे आप डिस्कस कर लें ताकि हमारे देखने वाले जो विजिट करना चाहते हैं। सो ये मेज़बान मार्की हाली रोड पे है एंड इट्स फ्रॉम 12 to 8 PM और आई थिंक अब तो काफी लोग फेमिलियर हैं इससे क्योंकि हमेशा मेज़बान मार्की हाली रोड पे ही एग्जिबिट होता है। बिल्कुल। सो एंड आई थिंक एवरीवन्स रियली लुकिंग फॉरवर्ड एज यूजुअल कि वो आके यहाँ शॉपिंग करेंगे। अच्छा, लाइफ स्टाइल, फूड और इस बार लॉन होगी, समर के कपड़े होंगे, तो ये जितने डिजाइनर्स ऑन बोर्ड हैं ये समर कलेक्शन के, एवरीथिंग रिलेटेड टू समर, तो प्रेट वेयर, लॉन, इवन फॉर्मल, सो एवरीथिंग यू नीड फॉर योर समर वार्डरोब, फॉर लाइक यू नो आई मीन योर क्लोथ्स और योर होम और ज्वेलरी, खाना पीना भी है, बच्चों के लिए भी वहाँ पर एंटरटेनमेंट होगी, सो आई थिंक दैट एवरीवन शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट। और फ्री एंट्री है, ओके, सो देयर इज नो एंट्री चार्जेस, so if you're agar mothers can bring their children after school, wahan shopping kar sakti hain, bacche kuch kha sakte hain, bahut acha environment. अच्छा, इतने सक्सेसफुल इवेंट्स आप कराते आ रहे हैं दोनों, और आप लोगों को अब किस तरह का रिस्पांस ऑन एंड ऑफ मिलता रहता है लोगों से, क्योंकि आप इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर जा रहे हैं? जी, हम लंदन और दुबई में ये एग्जिबिट करते हैं और करना चाह रहे भी हैं, अभी हमारा होगा मई में लंदन में इंशाल्लाह, और अब्रॉड तो फिनोमिनल रिस्पांस है, इतनी डिमांड है एशियन कपड़ों की, और लोकल यहाँ से वेंडर सारे बड़े डिज़ाइनर किसी के पास एक्सेस नहीं है, तो हम वो मिसिंग लिंक हैं जो ये सारे बेस्ट डिज़ाइनर्स को लेकर जाते हैं लंदन और वहाँ से सोल्ड आउट हमारा इवेंट होता है। लवली लवली लवली। जवेरिया, आज आप हमें क्या बताएंगी कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं, किस टाइप के हवाले से बताना है? आज बेसिकली इट्स वेरी न्यू थिंग एंड इट्स ट्रेंडी टू फ्लेक्सिटेरियन डाइट। फ्लेक्सिटेरियन डाइट की जब भी बात की जाती है तो इट्स लाइक टू से दैट प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, और जब भी हम वेजिटेरियन होते हैं या वेजिटेरियन होने के बारे में सोचते हैं तो ना सिर्फ वेजिटेरियन होना हमें डिफरेंट बीमारियों से बचाता है बल्कि हमें हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। और बेसिकली वेजिटेरियन होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मीट, एग और फिश या डिफरेंट जो पोल्ट्री या जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसको माइनस कर दें, उसका मतलब है कि यू कैन गो थ्रू विद दीज ऑल द थिंग्स ट्वाइस अ मंथ और थ्राइस अ मंथ, क्योंकि आप उसको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि एनेमिक जो लोग हैं, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, क्योंकि लड़कियों में तो इस टाइम 70-90% है जो कि उसको ओवरकम नहीं करती हैं प्रॉपरली, और वो आपकी काफ़ी हद तक एनिमल पोर्शन से कॉप आउट होती है। पर ऑन द अदर साइड जब भी हम फ्लेक्सिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो इस डाइट से बेसिकली आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस और प्रॉपरली काम करते हैं और आप साथ साथ बीमारियों से बचते हैं। अच्छा, बेसिकली फ्लेक्सिटेरियन डाइट में क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, क्या पैटर्न्स के साथ आपकी डाइट होती है, ये भी हम जानना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हाइपरलिपिडीमिक या कोलेस्ट्रोलिमिक पेशेंट्स हैं, नंबर वन थिंग इज दिस कि आपने कभी भी ड्रग और फूड का इंटरेक्शन नहीं करना, लाइक टू से दैट आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप ग्रेप फ्रूट या ऑरेंज या किसी किस्म का भी जूस ले रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि वो आपस में रिएक्शन हो जाता है उसका आपकी बॉडी में। तो आपने जब भी वेजिटेरियन डाइट की तरफ जाना है आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, 6 सर्विंग्स पर डे होनी चाहिए जिसमें से आपकी 4 to 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स में देखिए अगर बात की जाए मिला तो हमारे पास लेंटेंस आते हैं यानी दालियाँ आ जाती हैं, पीस, बीन्स, ऑलिव्स, यू कैन गो थ्रू विद ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉट ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बट
रेड जितने हमारे पास रेड्स हैं येलोज हैं यानी कि यू कैन गो थ्रू विद द कैरेट्स एंड बेल पेपर्स एंड गो थ्रू विद द आर्टिचॉक्स एंड केल एंड ऑल द थिंग्स पर थिंग्स आर लाइक दिस कि जब आपने जब भी एक चीज़ का अपने वेजिटेरियन डाइट में ख्याल रखना है क्योंकि पाकिस्तान में ओवर कुक्ड का बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब जब तक हम ढेर सारे मसाले खाने में नहीं हाँ बिल्कुल हाईली स्पाइसी भी होता है और हमेशा आप देखें कि जब भी सब्जी को ज़्यादा पकाया जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं बिल्कुल उसकी तासीर तो ऑलवेज कुक ऑन द लो एंड लाइट फ्लेम शेल्फ लाइफ का ख्याल रखें स्टोरेज कंडीशंस का जरूर ख्याल करें एक फ्रेश जो बास्केट में रखने से बेहतर है उसको मतलब आप उसको फ्रेश जितना स्टोरेज हो तब बेहतर है क्योंकि कॉन्टेमिनेशन सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपके फ्रिज रेफ्रिजरेटर में होती है और उस कॉन्टेमिनेशन से बचने के लिए जरूरी है कि एक तो हाइजेनिक कंडीशंस बेहतर हैं दूसरा आपका टाइमिंग्स टाइम टेम्परेचर और स्टोरेज टेक्निक से तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं ठीक हो गया अलीज़े अभी आपका इस्लामाबाद में भी एग्जिबिट हुआ और अब आप लाहौर में आए हैं इस्लामाबाद का रिस्पॉन्स कैसा था इस्लामाबाद का भी रिस्पांस अच्छा था लेकिन जो बायर्स की मार्केट है वो पंजाब में है सो पंजाब में हमारे इवेंट्स एक्सेप्शनली सक्सेसफुल होते हैं इससे कि पंजाबीज की शॉपिंग हैबिट्स आर द बेस्ट एग्जैक्टली आपको तो दिन रात बस कपड़ों का और खाने का ही सोचता रहता है इसलिए हम लाहौर में और अब हम कोशिश करें कि हम फैसलाबाद में भी लेकर जाएं हर सीजन पे ये इवेंट फैसलाबाद में तो बहुत अच्छा होता है आई थिंक द बिगेस्ट एंड बेस्ट रिस्पॉन्सेज इन फैसलाबाद और कुकों के हवाले से आए कि वहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स देखने में आता है फैसलाबादीज आर यू नो ऑल आउट वो आते हैं पूरे दिन के लिए शॉपिंग करते हैं खाना खाते हैं और जाते भी हैं रात को लाहौर में है कि वो आते हैं जल्दी से अपनी शॉपिंग करके निकल जाते हैं खाना कुछ खा लिया जल्दी से निकल जाते हैं फैसलाबाद में तो फुल डे का इवेंट होता है And they really, really enjoy themselves. So this is why we love Punjabi. हर सीजन पे उनको शॉपिंग करनी होती है और आप मेरे ख्याल से समर जितनी जल्दी आना शुरू हो गई अब गर्मी का एहसास भी होना शुरू हो गया तो लॉन के हवाले से तो आप बहुत सारी अवेयरनेस भी आई है सानिया क्योंकि जब हम देखते हैं फैशन सेंस लोगों की बहुत बेहतर हुई है यहाँ पर लोगों को शॉपिंग की भी सेंस आ गई है अब लोग कपड़ों पे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यू नो अब इतने लोग एक्सपोज हो गए दे नो एग्जैक्टली कि क्या चीज उनको सूट करेगी क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज फैशन में तो वो फिर सोशल मीडिया पे देख के उनको होता है कि हम भी जाके ये चीज लें फॉरेन यू नो एंड एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी सारे आपके इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल से जो अब ब्लॉगर्स और इन सारी चीजों ने मजीद चीजों को रियली चेंज्ड एवरीथिंग सो आई थिंक पूरा सीन चेंज हुआ है देयर इज टू मच अवेयरनेस एग्जैक्टली एवरीबॉडी नोज अबाउट एवरीथिंग और जिस तरह से अभी मैं इस्लामाबाद के एग्जिबिट की बात करूँ मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है आई वाज लाइक हर की स्टोरी पर वो उसके बूमरैंग्स बने हुए हैं सारा कुछ तो अवेयरनेस सोशल मीडिया और आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म्स ने भी दिया डिजाइनर्स को भी मौका मिला है कि वो अपने जो कह लें एक स्पेशली स्टूडियो या आउटलेट्स पे जाकर जहाँ एग्जिबिट करते थे वहाँ एक फॉरम पे आ जाते हैं जी एग्जैक्टली दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन के अगर हमारे पास 50 ब्रांड्स एक जगह पर हैं तो वो 50 ब्रांड्स की हमारी गेस्ट लिस्ट है हर एक ब्रांड की गेस्ट लिस्ट है तो बाय द एंड ऑफ इट वी हैव 5000 प्लस पीपल इन वन वेन्यू एंड सबको मतलब कि बहुत फायदा हो रहा है दे गेट टू सी एवरीवन लाइक वो एक स्टॉल पे नहीं जाएंगे दे विल गो टू ऑल द स्टॉल्स एंड सी एवरीथिंग सो द अदर डिजाइनर आल्सो गेट्स दैट बेनिफिट यू नो ऑफ हैविंग सच अ पोर्टफोलियो क्लाइंटेल आल्सो फॉर डिजाइनर लवली 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 अच्छा जवेरिया अभी आप फ्लेक्सिटेरियन डाइट के हवाले से बताएं वेजिटेबल्स बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन हमारे यहाँ गोश्तखोर भी बहुत सारे लोग होते हैं हाँ, खाना है मटन बीफ इस तरह की चीजें मिलनी चाहिए उनके लिए ये इस तरह की डाइट मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर नहीं है बिल्कुल आप ये देखिए कि गोश्त एक हद तक आपके लिए बिल्कुल ठीक है पर उसके साथ ही साथ जब भी आप गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो यू आर इन द एडेनोसाइक्लेरोसिस एंजाइना हार्ट डिजीज़ आपका कोलेस्ट्रोल इवन आपका मेंटेन नहीं रहता इधर क्या आप ये देखें कि अक्सर औकात लोग पूछते हैं और कहते हैं कि आप कितना रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितनी होनी चाहिए कितना लेना चाहिए और क्या सिचुएशन है तो मोस्ट प्रोबेबली गोश्त की भी दो किस्में एक जो आपके घर पे बन रहा होता है और एक जो ईटिंग आउट का कंसेप्ट है ईटिंग आउट में यू डोंट नो अबाउट इट कि किस किस्म का फैट्स ऑयल्स कंज्यूम किए जा रहे हैं आप क्या चीज़ ले रहे हैं आइदर के ऐसा तो नहीं कि इंस्टेंटली आपने कुछ समथिंग सो फैटी सॉर्ट ऑफ मीट कंज्यूम बिकॉज एवरी हर वो चीज़ जो कि आपको लगेगा कि एक्सट्रीमिस्ट मतलब सॉर्ट ऑफ में फ्लेवर आपको दे रही है तो वो एनिमल फैट में बनी होती है और एनिमल फैट जैसे ही आप लेंगे आपकी आर्टरीज में डिपोजिशन होके
आपकी आर्टरीज ब्लॉक भी हो सकती हैं और आपको कुछ भी सडन हार्ट अटैक इन समथिंग लाइक दिस. पर यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो लोग मुझे आई नो कि मैनी पीपल आर मीट लवर्स और उसकी वजह से वो कोलेस्ट्रोल में भी हैं, यूरिक एसिड में भी हैं, हार्ट डिजीज इवन वो करवा चुके हैं एंजियोप्लास्टी. तो जितना हो सके लिमिट योर पोर्शन साइज. नंबर वन, पोर्शन साइज का मतलब है जरूरी नहीं आपने एक केजी खा के उठना है, आप उसको तकरीबन 150 to 200 or 50 to 100 grams में चेंज कर सकते हैं. मदर स्पेसिफिकली अक्सर लोग घर पे आते हैं तो जब खाना इवन बच्चे का भी बचता है या मेहमान भी छोड़ गया तो वो कंज्यूम कर लेती हैं, इवन उसमें मीट पोर्शन भी. अपना खाना अलग से नहीं खाती हूँ, बच्चे का छोड़ा हुआ खाना खाती. बिल्कुल खाए. ये मदर्स हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनसे हमारा पूछेंगे. अच्छा, तो उसमें भी आप ये देखिए कि अर्मिला पोर्शन साइजेस चेंज होते जाते हैं और पोर्शन साइज की वजह से आपका होल जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब होता है. एक तो नंबर वन मील ऑन टाइम इज इम्पॉर्टेंट. दूसरी बात है जब आप वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं तो गो थ्रू विद द थ्री, जो आपके थ्री मील्स हैं वो आपके रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए. आइदर की सैलड है या फिर रॉ वेजिटेबल जूस है जैसे घिया, कद्दू, तोरिया, टमाटर, यू कैन गो थ्रू विद ऑल द वेजिटेबल्स और इजीली. इसमें आप देखिए सोशो इकोनॉमिक लेवल भी इसमें हमारा डिस्टर्ब नहीं होता. हर गरीब अमीर इंसान इवन मॉडरेट जो है वो भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. तो अलीजे, अभी चूंकि फर्दर आपके प्लान है फैसलाबाद के, उसके बाद क्योंकि अब आगे समर्स होती रहेंगे और नए नए वॉल्यूम्स भी आते हैं आपको पता है लॉन के हवाले से, तो मजीद भी कुछ प्लान है आपका आने वाले? यूजुअली हम समर बिल्कुल पीक समर पे एग्जीबिशंस नहीं करते हैं. ठीक है, हम सितंबर अक्टूबर के टाइम पे नेक्स्ट करेंगे, इसलिए कि जब बहुत भी गर्मी होती है तो लोगों को इतना शौक नहीं है निकलने का. सो वी ट्राइड, हमने अब मास्टर कर लिया है कि क्या टाइम्स अच्छे हैं एग्जीबिशंस के लिए. हाँ. और हम एग्जीबिशंस उसी टाइम टाइम्स पे करते हैं. जब स्टार्ट किया था सानिया आप लोगों ने ये एग्जीबिट, तो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे जाएगा कि आप इसको लंदन और उधर भी लेकर जाएंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग पता तो था कि चलेगा अच्छा, बट वी नेवर न्यू कि लंदन तक जाएगा, दुबई में करेंगे, अमेरिका में भी हमारा प्लान बन रहा है. सो बहुत अच्छा फील होता है कि जब यू नो कोई चीज़ आप स्टार्ट करो और फिर वो सक्सेसफुल इतनी ज़्यादा हो जाए और फिर आपको अप्रिसिएशन जब बहुत ज़्यादा मिलती है किसी चीज़ के लिए तो उसकी बात ही और होती है. अच्छा, आप दोनों वर्किंग वेमेन हैं, साथ में आप अपनी फैमिलीज को भी लेके चल रही हैं. बहुत सारी खवातीन ये सोचने में रह जाती हैं कि हम कुछ इनिशिएटिव लें या किसी चीज पे करें, तो क्या कहेंगी उन खवातीन के लिए? सोचो नहीं, करो, डाइव इनटू इट. आपको अगर एक आइडिया है आप देखो कि आप किस तरीके से कर सकते हैं. यू नो ये आपको एक फुलफिलमेंट देता है आउटसाइड द होम कि आप भी कुछ अपने आप के लिए कर रहे हैं. यू नो इट्स वेरी फुलफिलिंग टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. एग्जैक्टली, और फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आपने अपने एक कंफर्ट जोन से निकलकर भी कुछ किया. Exactly. आपकी इंडिविजुअलिटी बनती है. यू नो यू डोंट गेट लॉस्ट इन द डेली रूटीन और एवर, दैट्स लाइक समथिंग फॉर योरसेल्फ लाइक एलिसा सेड. रूटीन भी होती है बट यू मैनेज, टाइम मैनेजमेंट इज द की. टाइम मैनेजमेंट इज द की. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अच्छे हो, तो फिर मुश्किल नहीं होता. लवली लवली. अच्छा जुवेरिया, अभी आपने हमें रॉ वेजिटेबल्स और इन सब का बताया और अक्सर लोग अपनी डाइट प्लान जब कुछ डाइट करे होते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, मतलब फाकों पे उतर आते हैं कि नहीं ये नहीं खाना. प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू हर चीज़ की उसको कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? नंबर वन, पाकिस्तान में फलों और सब्जियों में ना सिर्फ गज़ा गज़ाइयत है बल्कि टेस्ट भी और फ्लेवर भी अच्छा है. आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम बेहतर है कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए. अल्लाह ताला ने हमें हर सीज़न में कुछ ना कुछ फल और सब्जियां दी हैं. जैसे कि आप ये देखेंगे जैसे अभी सर्दियां थी, हमारे पास ग्रेप फ्रूट थे, ऑरेंजेस थे, रिच ऑफ सिट्रस फ्रूट्स आर देयर. उसके साथ ही साथ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में हमारे पास स्पिनिच थे, केल, कुलैड, सेलरी एंड एवरीथिंग इज देयर. और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आजकल हमारे पास आलू बुखारा है, पॉमग्रेनेट है, अंगूर है. और आप ये देखिए कि आफ्टरनून का टाइम जो होता है वो वेजिटेबल कंजप्शन के लिए बेस्ट है. और दूसरा डिनर टाइम का जरूर ख्याल रखें. डिनर जरूरी नहीं होता कि आपने रात 9 बजे से रात 12 बजे तक ही करना है. 6 to 8 इज द बेस्ट टाइम फॉर द डिनर. अच्छा। शाम को 6 to 8 बजे तक खाने का सोचते और फिर एपेटाइजर का शुरू करते हैं, स्टार्ट कर देते. असल में अर्मिला, एक तरह से जो सक्सेसफुल नेशंस होती हैं ना उनकी ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ये बहुत जरूरी होती हैं.
क्योंकि जब जब जैसे जैसे आपका टाइम डिस्टर्ब होता है तो आप ये देखिए कि आपका पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब, मतलब एक खातून ने खाना अगर वो नाश्ता मेरे ख्याल से 1-2 बजे कर रही है तो इट्स नॉट द ब्रेकफास्ट, इट्स द लंच टाइम. तो आप ये देखें कि आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है या आप हाउस वाइफ है या आप यू आर ऑन द हायर पोजिशन ऑन द समथिंग लाइक दिस, आपको जितनी मर्जी जल्दी है ऑफिस जाने की, डोंट, नंबर वन डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट. और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग शुड बी देयर. और साथ आप अपना एक ग्लास अगर आप ग्रीन लीफ रॉ वेजिटेबल जूस बना लें, इट्स अ ग्रीन स्मूदी और ग्रीन जूस, आप उसको अपने ऑफिस मतलब आफ्टरनून में कंज्यूम करें, आपको वो इंस्टेंट एनर्जी भी देगा, आपका ब्रेन भी फ्रेश रखेगा, आपको जो ब्लड प्रेशर्स के आजकल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं वो भी नहीं होंगे. और मोस्ट प्रोबेबली एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ड्यूरिंग आप किसी भी मेडिकेशन में है, किसी भी मेडिकेशन में आपने ग्रीन, येलो या रेड वेजिटेबल जूस उसके साथ नहीं कंज्यूम करना. अच्छा. क्योंकि आप देखिए उससे डायरेक्टली आपके ब्रेन, आपको ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, मतलब आपकी आपकी जो नर्व्स हैं उस पर स्ट्रेस आ जाता है जिसकी वजह से आपको आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन होता है और उसकी वजह से आप सडन किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं. तो एक चीज़ ये है कि मतलब ऑलवेज गो इन द पोर्शन साइज, कंज्यूम मोर एंड मोर ऑर्गेनिक्स. सब्जियां भी अगर आपको लगता है कि कलरेंट्स हैं या फिर अक्सर लोग कहते हैं इरिगेशन नहीं ठीक है, सब्जियां भी खाएं तो क्या खाएं, किस तरह से कंज्यूम करें, बट थिंग्स आर लाइक दिस. हम फिर भी उस कंट्री में है जहाँ पे हमारे पास हर तरह की चीज़ की अवेलेबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी है, और थर्ड नंबर पर अफोर्डेबिलिटी का सिस्टम वहाँ पे आता है. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम जब कुकिंग मेथड्स की बात करते हैं हमारे वो भी बहुत डिफरेंट है. अगर आप वेजिटेबल्स भी खाली खा रहे हैं तो हम इतना ज्यादा उसको पका लेते हैं कि उसका जो असर है वो ही ज्यादा, बिल्कुल न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं. और आप ये देखें कि मोस्ट प्रोबेबली गोश्त को कहते हैं हमेशा कि सब्जियों के साथ बनाएं, पर यहाँ पे किस सिस्टम होता है कि अगर 70% गोश्त है तो थोड़ी सी सब्जी ऐड होती है, इवन कि लोग लाइक नहीं करते. और अगर फुल वेजिटेरियन में जाते हैं तो मेल्स का क्या मतलब, एवरी सेकंड पर्सन मेन मील को वो मिस नहीं करते, वो कहते हैं कि मीट शुड बी देयर. पर बात यह है कि आपने प्रोटीन इनटेक करना है, आप लेंटिल्स बीन्स की तरफ चले जाएं. बीन्स का मतलब है कि रेड, येलो, और मतलब हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ बीन्स, आप उसको सैलड्स में यूज़ करें, आप उसकी ग्रेवीज यूज़ करें, पर प्लांट बेस्ड ऑयल में बनाएं, मतलब ऑलिव हो गया, कॉर्न ऑयल या जितने हेल्दी ऑयल्स हैं. क्योंकि वेदर यू गो विद द एनिमल बेस्ड ऑयल, इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ आइदर के किसी तरह से करेगा. ओबेसिटी, ओवरवेट तो ठीक है नंबर वन कॉज में है, पर हार्ट डिजीजेस और एनी अदर स्ट्रोक्स और समथिंग लाइक दिस. हम इस दौर की बात करें तो बहुत सारे यंग जनरेशन में भी, यंग लोगों में हार्ट के बहुत सारे मेजर इश्यूज हैं. अर्मिला, उसकी देर इज सम बिहाइंड रीजंस टू, मेनी पीपल आर द एडिक्टिव ऑफ सो मेनी ड्रग्स टू, एंड ऑन द अदर साइड कुछ लोग वैसे मतलब इतनी मेडिकेशंस इज ट्रू ड्रग. एंड आप ये देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन फैक्टर्स होते हैं, और इट्स लाइक अ सडन हार्ट अटैक, और फिर कहते हैं कि एकदम से ब्लड प्रेशर शूट किया था, एकदम से मतलब पहले डायबिटीज थी और ये हो गया था. थिंग्स आर लाइक दिस के आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर ऑन पर्सनैलिटी एंड योर ऑन सेल्फ, कि आपका ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, एवरीथिंग इज फाइन. टेस्ट मुकम्मल करवाते रहिए, हर वीकली टेस्ट पे बिलीव कीजिए, मंथली टेस्ट पे बिलीव कीजिए. इफ़ यू आर फीलिंग के यू हैव सर्टन प्रॉब्लम इन योर हार्ट, आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ब्रेन का कोई फंक्शन, आपको कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है अपनी बॉडी में किसी भी जगह पे, तो उसको गो विद द टेस्ट एंड थिंग्स, देन गो विद द प्रॉपर कंसल्टेशन. देन एज, वेट, हाइट, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से अपना मेक योर ऑन मील प्लान, कि व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, व्हाट्स योर बॉडी रिक्वायरमेंट. तो डाइट्रिशन वगैरह आपको इतना अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आप ये देखिए कि अक्सर हम लोग आके अक्सर चीजें बताते हैं, पर लोग यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम हो जाता है कि व्हेन दे स्पेसिफिकली कम टू द कंसल्टेंट एंड गिव द फीस, तो वो चीजें फिर भी सुनते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली होता है नहीं सुनते. ऐसे बिल्कुल नहीं सुनते. ठीक हो गया. अच्छा जनाब, अलीजा और सानिया, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हम अपने देखने वालों को बता दें जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि एग्जिबिट होने वाला है. अलीजा, कैमरा इज ऑल योर्स. द एग्जिबिट, द समर एग्जिबिट कल हो रहा है मेजबान मार्की पे, हाली रोड, विच इज सेंट्रल गुलबर्ग. 12 to 8 p.m. free entry, cash is the preferred method of payment, and we have some great designers on board. Sanya, would you like to elaborate the designer list? So it's Zonia Anwar, Zainab Salman, Miras by Niloufar Shahid, Anam Chaudhry. Amazing furniture brands. Yeah, Shifra, and jewelry brands. And yeah, Shifra by Anam Yasser, Creo Home. So it's going to be amazing. There are a lot of brands. 50-plus brands on board? 50-plus brands. 50-plus brands. Lovely. Wish you a very best of luck, ladies. Thank you. Thank you. You keep doing this event in Lahore and we are also attending. Okay, Jubeya, what message do you want to give to our viewers today's topic?
flexitarian diet ki jaise humne baat ki to it's based on the vegetables so I always said go green and go beautiful add more and more greens in your diet and stay away from all the diseases हाँ जी हेल्दी रहें थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका भी जनाब हेल्दी रहें फिट रहें अच्छी डाइट खाएं और हाइजीन का ख्याल रखें ये बहुत जरूरी है अच्छा जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का और इन केस अगर आपने शो मिस किया है तो हमारा शो रिपीट भी होता है शाम 5 बजे और रात 1 बजे भी हमारा यूट्यूब चैनल है लाहौर न्यूज का जागो लाहौर का वहाँ जाए सब्सक्राइब करें आपके सारे एपिसोड वहाँ पर मिल जाएंगे आपसे हम इजाजत देते हैं आपसे मुलाकात होगी कल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़